वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम जीएस से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मित्रों में इसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो लोड करूँ आपको तत्काल सूचना मिल जाए। मित्रों, किसी वीडियो को देखने का फ़ायदा तब मिलता है जब आप उस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा। देखिए, इसको देखते हैं। पहले भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? एक कंटक शोधन कहा जाता था। अगला देखते हैं, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबर्नी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति किसने चलवाई थी? ये बलबन ने चलवाई थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। बरीद ए ममालिक का गठन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। जैन विद्वान राजशेखर को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक शासक था, इसने प्रदान किया था। दीवान ए विजारत का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। ये सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? ये देवल, जो गुजरात में पड़ता है। उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोहम्मद गिसुदराज को कहा जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम उर्दू को राजभाषा बनाया था? ये इब्राहिम आदिल शाह बनाया था। ये दक्षिण का शासक था, दक्षिण भारत का। राज त्रंगड़ी की रचना करने वाले कलहड़ को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ये हर्ष, ये कश्मीर का शासक था, हर्ष इसको मिला था, ना कि ये जो उत्तर भारत का हर्ष था, इसको कश्मीर के शासक हर्ष को मिला था। पुर्तगाली यात्री एडवर्ड बारबोसा ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? एक कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के शासक था, इसके शासनकाल में किया था। रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। किस सूफी संत के बारे में यह कहा जाता कि उसने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया के को कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? यह तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला देखते हैं, मजमूल बहरीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये दारा सिकोह ने की थी, ये मुगल शासक का लड़का था। मुगल काल में गांव को किस नाम से जाना जाता था? इसको मावदा या डीह के नाम से जाना जाता था। थुर्ट प्रजात के गृह स्थल का नाम क्या है? ये खिरगीज नाम है। अब देखते हैं भारत व विश्व के भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतरे ने दिया था। महाद्वीपीय भागों में क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। अगला देखते हैं, भूकंप आने से पूर्व किस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? रेडान गैस का। यही एक ऐसी गैस है कि जो भूकंप आने से पहले, जैसे भूकंप आएगा उसके पहले ये गैस जो है धरती से निकलती है। ज्वालामुखी का अग्निमेखला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में है। मोड़दार अवस्था में लावा के जमाव से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? फाइकोलिथ का निर्माण होता है। नाजका प्लेट कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। मेघालय का पठार किस प्रकार के पठारों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आद्र पठार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे ऊँचा एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिकी देश है, वेनेजुएला वहाँ पर स्थित है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है? ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है, पक्षियों के पंजाकार डेल्टा। ये पूछा गया किस नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा है, तो मिसिसिपी नदी का डेल्टा। ड्रमलिन असलाकृत का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? हिमनद क्षेत्र में होता है। आगे देखते हैं, सागर तल से कितनी ऊँचाई तक समताप मंडल विस्तृत है? ये 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक है। अगला देखते हैं, ज्वारी ऊर्जा का पहला
स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ये फ्रांस में स्थापित किया गया था। फांगपुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है भारत के। नागर बिलोम अभयारण्य किस राज्य में स्थित होते हैं? ये मेघालय में स्थित है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। भारत के कुल जैविक भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत के कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25 है। आगे देखते हैं, विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये रूस में आयोजित किया गया था 2009 में। भारतीय पुनरुपयोगी ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1987 में की गई थी। भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में लाल पीली मृदा का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। आयल इंडिया लिमिटेड का अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ये दुलियाजान, जो कि असम में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। सकल घरेलू आय में कृषि का योगदान लगभग कितना है? ये है 17.4% 2019 के डाटा है। क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? रूस एवं जापान के मध्य में है। श्वेत हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को जाता है, पूछा गया कई बार प्रश्न में। व्लादिवोस्तोक एवं लेनिनग्राद के मध्य कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे आता है। थूट प्रजात के गृह स्थल का नाम क्या है? खिरगीज है। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाया जाता है? ये मत्स्य संसाधन है। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। माओरी आदिवासी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किसका अंग है? ये नीति निषेध सिद्धांत का अंग है। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कथन किसमें निहित है? ये नीति निषेध तत्व में निहित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पूछा गया कई बार कि निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, मोस्ट है इम्पॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के में निहित है? यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे संबंधित है? धर्म की वृद्धि हो प्रयास की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची के तहत किसकी विधानसभा सदस्यता को निरस्त, किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? ये विधानसभा अध्यक्ष ले सकता है। विधान परिषद के सभापति का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? ये विधानमंडल तय करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता इसको। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। अनुसूचित जात एवं जनजात वर्ग तय करने का अधिकार किसके पास नहीं है? तो ये राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान प्रारंभ में कब तक के लिए किया गया था? ये 1960 तक किया गया था, 10 साल के लिए। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005 में किया गया था। 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का विस्तृत वर्णन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको, क्योंकि ये पूछा गया 6ठी अनुसूची के राज्य कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा।
वर्ष 1957 में गठित भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। भारत सरकार द्वारा नवरत्न एवं मिनरत्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1997 में प्रारंभ की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई? हिल्टन यंग योजना के आधार पर, ये पूछा भी गया है ये दोनों। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है मौके पे? ये अब मौके पे इस वक्त 10 हो गई है, 12 जो दिया है 10 है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? इंद्रधनुष योजना। बेसल मानक का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? बैंकिंग प्रणाली से। वित्तीय समावेशन के रूप में किसे एक राष्ट्रीय मिशन माना जाता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। वित्तीय समावेशन पर व्यापक सुझाव देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? डॉक्टर सी रंगराजन आयोग का गठन किया गया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में है। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कहाँ हुई, किस वर्ष हुई? 2009 में हुई थी। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावित हुआ? 2003 में प्रभावित हुआ। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? ये 1949 में किया गया, मोस्ट है ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है, ये भी मोस्ट है, पूछा गया कई बार भी। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन मानी जाती है? ये महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनकी देन मानी जाती है। इसमें अमर्त्य सेन ने, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इनकी मदद की थी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ये अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, ये पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में की गई थी, ये भी पूछा गया है। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वादा कर बेचते हैं, क्या कहलाता है? ये मंदड़िया, इसको मंदड़िया कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी कहते हैं। अब देखते हैं समान विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। पिकनोमीटर नामक उपकरण से किसका मापन किया जाता है? घनत्व का मापन किया जाता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार प्रणाली पर कौन सा नियम लागू होता है? ये पास्कल का नियम लागू होता है। हीरे की चमक का कारण क्या है? ये प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ये भी पूछा गया है और ये भी हाइड्रोलिक वाला पूछा गया दोनों। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया के नियम पर काम करता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है कितना रहना चाहिए? 45 डेसिबल। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरणों द्वारा पहुंचती है। आर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों के अध्ययन से। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे तो वहाँ गड़बड़ ज़्यादा रहेगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केश की प्रणाली के कारण। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? ये अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बारनौली सिद्धांत पर काम करता है, ये भी मोस्ट है। एनोमोमीटर क्या मापने का उपकरण है? पवन का वेग, इससे पवन का वेग मापा जाता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा। आगे देखते हैं, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एक कैंसर से संबंधित है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है इसमें। भोजन में ऊर्जा उपस्थित को मापा जाता है कैलोरी में। आगे देखते हैं,
सापेक्ष आर्द्रता को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह हाइग्रोमीटर का, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पाइरेक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। किस सिने अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया 2018 का दादा साहब फाल्के। ताल छापर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट है राजस्थान में है। चमेली देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ये पत्रकारिता से संबंधित है। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश शामिल हैं? ये 53 देश शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है कितना? 130वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 108 के तहत। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। अल्जाइमर रोग निदान हेतु GB971 दवा किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये चीन द्वारा विकसित की गई है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। तवांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 28वां व्यास सम्मान किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? लीलाधर जगुड़ी को सम्मानित किया गया है। COP25 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन में किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, वहाँ पर किया गया था, मैड्रिड में। इंडियन ब्रेन एटलस किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा बनाया गया? IIT हैदराबाद द्वारा बनाया गया, मोस्ट है। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। थाईलैंड के किस प्रधानमंत्री को लापरवाही का दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई? इंगलक सिनावात्रा को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2015-16 से पुरस्कृत किया गया? आंध्र प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। किस अमेरिकी लघु कथा लेखक को उसकी कृत उपन्यास लिंकन इन द बार्डो के लिए मैन बुकर प्राइज 2017 से सम्मानित किया गया? जॉर्ज सैंडर्स को। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।